ये जो आप कार देख रहे हैं वो किया की EV9 है, ये एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार है। कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझा दूं कि कॉन्सेप्ट कार वो होती है जिसे कंपनी के सोचती है कि हम ऐसा कुछ लाने जा रहे हैं, ये नहीं ये आएगी भी कि नहीं आएगी कुछ नहीं पता, आएगी तो अगर ये लॉन्च भी होती है तो कितना परसेंट बदल जाएगा ये कुछ नहीं पता। तो ये एक इलेक्ट्रिक कार है जिसे कंपनी ने एक उनका कॉन्सेप्ट कार है जिसे पेश किया EV9 है। इसका जो पहले इसकी डिज़ाइन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी, जो फ्यूचरिस्टिक इसमें डिज़ाइन मिल रही है वो इसमें एकदम आपको इलेक्ट्रिक का फील देगी। देखिए यहाँ पर LED के पैनल्स अंदर की तरफ लगे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। ये हेडलाइट है, ये इनके इंडिकेटर्स हैं। इसमें 22 इंच के टायर्स दिए गए यानी बहुत बड़े टायर हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट कार अगर सच में हकीकत बनती है, अगर इसका प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च होता है तो 22 इंच की जो इसमें आपको टायर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। सामने बगल से अगर आप देखिए कहीं भी लोगों को नहीं दिया, कोई भी स्टिकर नहीं लगा है, एकदम सिंपल और प्लेन रखा है। कार देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जैसा कि आप पोस्टर्स में देखते आए हैं बिल्कुल वैसी लग रही है। और ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 रो सीटिंग मिलती है, यानी 3 रो मतलब ये 6 सीटर है। यहाँ भी एक रो है सीटिंग का, यहाँ भी है और यहाँ पीछे की तरफ भी है। ये जो आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर तो 3 रो सीटिंग मिल रही है। अंदर की तरफ अगर आपको दिखाएं तो बड़ी एकदम बहुत ज़्यादा स्पेशियस आपको मिल रहा है कि अगर कोई बैठेगा अंदर तो आप देखिए एकदम सिंपल से जो आपको प्रीमियम कारों में दिखता है बहुत ही ज़्यादा इसमें स्पेस दिख रहा है। इसकी जो इसमें जो स्टीयरिंग है वो देखिए आपको एकदम फ्यूचर डिज़ाइन की दिखेगी और जो इसमें पैनल है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो यहाँ पर जो आपको सामने रेंज और स्पीड सारी चीज़ें दिखेंगी, कनेक्टेड कार होगी। और ये जो इसकी आप स्टीयरिंग देख रहे हैं वो काफ़ी कमाल की है। इसमें फेक जो ये दिए गए हैं, इसमें फेक एयर इंटेक्स दिए गए हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है, बस इसको डिज़ाइन के तौर पर दिखाया है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो पीछे का भी जो आप देखेंगे सिर्फ आपको किया का यहाँ पर लोगो दिखेगा, इसके अलावा कोई भी इसमें डिज़ाइन के अलावा कोई भी आपको स्टिकर्स नहीं दिखेगा, कोई भी आपको ब्रांडिंग बैजिंग कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो देखने में ये कार बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर ऊपर देखिए सनरूफ दिया है, वो बहुत ही बड़ा सनरूफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा सनरूफ मिलता है। तो फिर से बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट कार है। कॉन्सेप्ट कार ये होता है कि हमने एक आइडिया दिया कि हम ऐसा कुछ ला सकते हैं भविष्य में या लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कार कभी लॉन्च होगी भी इंडिया में या नहीं कोई नहीं जानता, लॉन्च होगी तो कितना परसेंट उसका बदल जाएगा ये भी कुछ नहीं पता। कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट कार दिखाती है कंपनियां, उसका 80% 70% फीसदी हटा के 30% लॉन्च करती हैं। तो ओवरऑल ये किया कि EV9 जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार है वो आज कंपनी ने इसे पेश कर दिया है। कार्निवल अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर इसके बगल में जो व्हाइट कलर की कार आप देख रहे हैं उसको भी KA4 यानी KA4 जो है वो एक तरीके से कार्निवल का नेक्स्ट जनरेशन कार है जो कि ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में आज पेश हुआ तो किया ने 2 कारों से आज पर्दा हटाया। ये आपको सामने ब्लू कलर की जो कार दिख रही है कैसी देखने में लग रही है वो बताइए, और क्या लगा कि आपको कि अब क्या कंपनी ऐसी कार भारत में ला सकती है या नहीं, और लाएगी तो कब तक लाएगी। और देखते रहिए NBT Live।